एक बार की बात है, एक चील ने एक पेड़ पर घोंसला बनाकर अंडे दे रखे थे। वही पेड़ के नीचे एक मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन चील की अनुपस्थिति में एक कौवा आया और चील के एक अंडे को मुंह में दबा कर उड़ा। तभी उसके मुंह से अंडा गिरकर मुर्गी के घोंसले में जा पड़ा। तभी कौए ने चील को देखा और वहां से फूरा हो गया। कुछ समय बाद मुर्गी ने अंडे को सेना प्रारंभ किया। सभी अंडों में से तो मुर्गी के बच्चे निकले, परंतु एक में से चील का बच्चा निकला। मुर्गी सोच में पड़ गई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चील का वह बच्चा बाकी मुर्गी के बच्चों के साथ ही बड़ा हुआ। वह भी दाना चुगता और वह भी मुर्गी की तरह टुकड़ी को करता रहता था। वह भी उतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना कि मुर्गी, या उसके अन्य को मुंह में दबा कर बढ़ा। तभी उसके मुंह से अंडा गिरकर मुर्गी के घोंसले में जा पड़ा। तभी कोई ने चील को देखा और वहां से पूरे वो बच्चे उड़ पाते थे। एक दिन उसने आकाश में चील को बड़ी ऊंचाई पर शानदार तरीके से उड़ते हुए देखा और देखता ही रह गया। अपनी माँ मुर्गी से पूछा कि माँ, वह जो ऊंचे आसमान में उड़ रही है वह कौन है, उसका नाम क्या है? मुर्गी ने कहा, वह चील है। फिर उसने अगला सवाल पूछा, माँ मैं उसके जैसा और उतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकता हूँ? मुर्गी बोली, तू इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता क्योंकि तू मुर्गा है।